प्रधानमंत्री वाणी योजना के द्वारा यूपी समेत पूरे देश में सस्ती दरों पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं देने के लिए पीसीओ की तर्ज पर पीडीओ बनाए जाएंगे। सरकार की इस क्रांतिकारी योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए राशन कोटेदार को चुना गया है। इसी श्रृंखला में तहसील सदर के सभागार में डीसी सप्लाई विनय कुमार सिंह, डीएसओ संजीव कुमार सिंह और बीएसएनएल के निदेशक दिनेश कुमार के नेतृत्व में कोटेदारों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री वाणी योजना के प्रति जागरूक किया। पीएम वाणी योजना का लाभ जन जन तक पहुँचाने के लिए कोटेदार को पीडीओ बनने के प्रति समझाया। ये आज हम बताना चाहेंगे कि पीएम वाणी प्रोग्राम एक आया है, जिसके लिए लखनऊ से निर्देश आया था कि आप दुकानदारों की बैठक करके उनको इस योजना के बारे में बताया जाए, ताकि उनको एक्स्ट्रा लाभ हो सके। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग गांव-गांव वाईफाई को फैलाएं और दुकानदारों को एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिले, क्योंकि ये स्पष्ट है कि अब जो भी हमारा एफपीएस सिस्टम है उसमें दुकानदारों का कमीशन काफ़ी कम है और इनका मुनाफा बढ़े, सरकार इसके लिए चिंतित है। तो इसी के दृष्टिगत पीएम वाणी प्रोग्राम को लाया गया है, जिसमें जो ये डीके गुप्ता सर हैं जो दिल्ली से आए हैं और जो इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके खूबियों के बारे में। तो जो उभर के जो बात सामने आ रही है वो ये है कि हर एक दुकानदार पीडीओ बन सकता है और पीडीओ बन के अपने यहाँ मोटा मोटी 10,000 रुपया खर्च करेगा और वाईफाई प्लान अपने दुकान के आसपास 200 मीटर के एरिया में अन्य जो भी ग्राहक है जो लेना चाह रहे हैं उनको दे सकता है। वह दुकानदार पे डिपेंड करेगा कि वह किसे करीब मोटा मोटी 250 या 300 रुपया पर मंथ किसी भी व्यक्ति को वाईफाई कनेक्शन दुकानदार दे सकता है। तो उससे दुकानदार को भी लाभ होगा और पब्लिक को भी लाभ होगा, सस्ते में उनको वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा और उसका वाईफाई का जो लाभ होगा उस यदि पब्लिक यूज करेगी तो फाइनली देश को भी लाभ होगा, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता, मैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यूपी वेस्ट मेरठ जोन में बैठता हूँ। इस योजना के बारे में आज यहाँ जागरूक किया गया, क्या है योजना? ये पीएम वाणी योजना है। पीएम वाणी मतलब प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। ये पीएम मतलब इसके अंतर्गत आम पब्लिक वाईफाई सिग्नल को एक चीपेस्ट रेट पर हाईली स्टेबल सिग्नल आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है और आसानी से पब्लिक यूज कर सकती है, जो कि पहले हमारा जो प्राइवेट वाईफाई में पब्लिक यूज नहीं कर सकती है, हम पर्सनली ही यूज कर पाते हैं। इसमें आम पब्लिक जो 200 मीटर की रेंज में जैसे एक डिवाइस लगा लिया, एक डिवाइस लगाने के बाद उस डिवाइस की रेंज जो रहती है वो 200 मीटर रहती है। 200 मीटर की रेंज में जितना भी आम पब्लिक होगा वो इस वाईफाई सिग्नल को यूज कर सकता है। दूसरा क्या है, इसमें किसी को सपोज करो एक दिन के लिए यूज करना है तो वो एक दिन के लिए भी अपना प्लान खरीद सकता है, किसी को एक वीक के लिए अपना प्लान चाहिए तो एक वीक के लिए प्लान खरीद सकता है, किसी को एक महीने का यूज करना है तो एक महीने के लिए प्लान खरीदना है। कोटेदार कैसे इंस्टॉल करेगा? कोटेदार को पीएम वाणी वाली जो सर्विस है उसके बैकएंड पर एक डीओटी के द्वारा रजिस्टर्ड एग्रीगेटर रहते हैं, तो रजिस्टर्ड जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन के जो एग्रीगेटर है पीएम वाणी के संबंध में, जैसे यहाँ पर है हमारे अभी मेसर्स साक्या आईटी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये सर्विस चालू की गई है, तो वो कोटेदार को उनके द्वारा एक टाई अप एग्रीमेंट करना रहेगा, वो उनसे टाई अप करके अपनी सर्विस खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। और इसके लिए मोटा मोटी एक डिवाइस लगाना है, तो डिपेंड करता है कि वो किस बिजनेस मॉडल को अपने यहाँ एडॉप्ट कर रहा है, क्या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ले रहा है कि अपना डिवाइस खुद खरीद के लगा रहा है। अगर डिवाइस अपना खुद लेके खरीद के लगाता है तो उसे 8 से 10,000-12,000 रुपये की रेंज में उसे खर्च करना पड़ेगा, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि डिवाइस मुझे कौन सा लगाना है, किस रेंज का लगाना है।